आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बाह्य अष्टफलकीय संकुल बनाएगा। तो देखिए, जो अष्टफलकीय संकुल होता है ना, ये बाह्य भी होता है और निम्न भी होता है, दो प्रकार का होता है। तो दोनों में से कौन सा हो जाएगा, देखिए अष्टफलकीय वाला में अष्टफलकीय संकुल की अगर बात किया जाए, अष्टफलकीय संकुल में जो संकरण होता है, संकुल का संकरण होता है, वो दो प्रकार का संकरण होता है। कौन कौन सा होता है, एक होता है d2sp3 और एक होता है sp3d2। ठीक है, अगर ये वाला d2sp3 है तो इसको बोलते हैं अंतःकच्छक, यानी कि अंतः अष्टफलकीय संकुल, अंतःकच्छक अष्टफलकीय संकुल। और इसको बोलते हैं बाह्यकच्छक अष्टफलकीय संकुल। ठीक है, अब जो अंतःकच्छक है, अंतःकच्छक में देखा जाए तो जो इसके लिए चक्रण होगा, इसके लिए जो चक्रण होता है, ये निम्न चक्रण होता है, इसका चक्रण निम्न होता है। और इस वाले के लिए, बाह्यकच्छक के लिए जो चक्रण होता है, स्पिन जो होता है, ये उच्च होता है। स्पिन मतलब चक्रण, चक्रण कैसा होता है, इसके लिए उच्च होता है, उच्च चक्रण। तो देख लेते हैं कि कौन सा हमारा विकल्प है। तो कह रहा है कि बाह्य के लिए, तो बाह्य मतलब कौन सा हमारा बोला गया है, d2sp3 वाले के लिए, इसके लिए बात किया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए ए ऑप्शन में बोला गया है कि निम्न चक्रण होगा, तो गलत बोल दिया। बी वाला में उच्च चक्रण होगा, सही बोला है। सी वाला में निम्न चक्रण, ये तो गलत है। तो d8 का क्या होना चाहिए, निम्न उच्च चक्रण होना चाहिए, तभी जाके क्या बनेगा, बाह्य अष्टफलकीय बनेगा। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी वाला। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।